वाले गांवों की ओर, प्रकृति की ओर में। गांववन स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आप लोगों को हम लिए चलते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में, जहां स्वच्छारण्य अभियान के सातवें चरण में आप लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहां प्रातः 8:30 बजे से पूरी टीम के साथ हम अपने इस स्वच्छारण्य अभियान के सातवें चरण को शूट कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि गांववन स्टूडियो का हमेशा प्रयास रहता है कि हर रविवार हम इस प्रकार की एक अनोखी एक जो पहल जो समाज में या आसपास के क्षेत्र में लोगों के द्वारा की जा रही हैं, उन्हें हम शूट करके आप लोगों के साथ साझा करते हैं, जो हमारे गाँव से जुड़ी हुई हों, हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई हों। और आज हमें प्रकृति के बीचों बीच अलवर के जो फेफड़े के नाम से विख्यात जो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है, जो थानागाजी में स्थित है, हम यहाँ सरिस्का के गेट के ऊपर स्थित है, जहाँ से एक तरफ अलवर से आने वाला जो राजमार्ग है, ये आप देख रहे हैं अलवर की तरफ से जो गाड़ियाँ इस तरफ से आकर और थानागाजी की तरफ जाती हैं, और ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये अलवर की तरफ जा रही हैं। आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं कि यहाँ से थानागाजी 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और सरिस्का जो टाइगर रिजर्व जो हमारा अभ्यारण है उसकी और ये रास्ता आगे की तरफ जाता है। यहाँ से हम सरिस्का गेट से एंट्री करके और जो हमारा सरिस्का का टाइगर रिजर्व जो एरिया है उस तरफ आगे की तरफ टाइगर्स को देखने के लिए जो पर्यटक आते हैं वो इस दिशा की तरफ बढ़ते हैं। हम यहीं टाइगर रिजर्व जो हमारा क्षेत्र है उसके सरिस्का गेट से इस अभ्यारण को स्वच्छारण के लिए चलाए गए अभियान को हम यहां आप लोगों को फिल्मांकन करके दिखा रहे हैं। देख रहे हैं कि किस प्रकार सरिस्का की टीम के जो मेंबर भी हैं वो पूरी तन्मयता के साथ, जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं उनके साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें इन लोगों के किए गए प्रयासों से खुशी है इस बात की कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ड्यूटी को के साथ साथ इस प्रकार के नवाचार के अभियानों को भी, रविवार होते हुए इन्होंने अपनी छुट्टी के दिन भी इस काम में जुड़कर और अपने अभ्यारण को स्वच्छ बनाने में ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम आपको इनके खुद के प्रयासों को भी, इन लोगों की जुबानी आप लोगों को साझा करेंगे। साथियों को और बच्चों को सुप्रभात, नमस्कार। आज हम सरिस्का टाइगर रिजर्व के टी पॉइंट पे खड़े हैं, और जो हमारा अभियान है स्वच्छ सरिस्का, अपना सरिस्का स्वच्छारण्य के नाम से जो चलाया जा रहा है, उसके सातवें चरण में आज हम सरिस्का के जो अंदर पोलोथीन प्लास्टिक वगैरह जो है उसे एकत्रित करेंगे, क्योंकि उसको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। जानवर जब इस प्लास्टिक को खा लेते हैं तो उनके शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, साथ ही और भी जानवर उनकी चपेट में आ जाते हैं। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए युवा जागृति संस्थान के डायरेक्टर गोकुल जी और सरिस्का रिजर्व से रेंजर साहब और बाकी टीवीएम स्कूल के होनहार स्टूडेंट्स पूरे मन से इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले लगभग 6 से 7 महीनों से लगातार अनवरत जब जब हमें आवश्यकता पड़ी है, या हमारे इस टाइगर रिजर्व को, इस सरिस्का को हमारी आवश्यकता पड़ी है, बच्चे, युवा जागृति संस्थान के कार्यकर्ता और सरिस्का की टीम पूरी मन के साथ सहयोग करती नजर आई है। और मैं आगे के लिए धर्म सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और इस टीम का मार्गदर्शन करें। धर्म सिंह जी, माननीय आरओ साहब, युवा जागृति संस्थान के डायरेक्टर मिस्टर गोकुल जी, पूरे विद्यार्थी, आपका इस स्वच्छारण अभियान में सरिस्का परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और इस सातवें स्वच्छारण अभियान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो मैसेज देंगे,
सर थैंक यू बोर्ड से अपने जो इंदौर पुलिया तक जो कचरा फैला हुआ है, पॉलीथीन फैली हुई है, उसका कलेक्ट करना है और इस सरिस्का को अपना सरिस्का मान करके आप सभी ने एक परिवार की तरह इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया है। इसका मैसेज पब्लिक में जाता है और उनको इस मैसेज से लोगों में ये जागृति पैदा होती है कि यार ये कचरा पड़ा हुआ है, हम इसमें नहीं डालें, इसको पार्क बना के रखना है। लोगों को भी समझाना है कि जंगल में हमारे कई जो वन्य जीव हैं उनको इनसे खतरा मंडराता है। वैसे तो कानूनी प्रक्रिया भी है, खाद्य सामग्री डालना वन्यजीवों के लिए गलत है। जो भी इस प्रकार से कोई डालता है तो कानून में एक प्रक्रिया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इस चीज़ से हमें वाकिफ है कि सरिस्का को सुंदर बनाने के लिए हमारी पूरी सरिस्का टीम और विद्यालय परिवार और युवा जागृति संस्थान के जितने भी लोग हैं इसको सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मैसेज को हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत गति दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए सभी को मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप भी जब पहला चरण था तब से और लगातार आप सतत इसमें जुड़े हुए हैं, इस अभ्यारण्य में ये चलाया गया जो स्वच्छारण्य अभियान है उससे क्या बदलाव आया है, लोगों की सोच बदलने लगी है या नहीं बदलने लगी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। हमारे पर्यटकों की और हमारी सबकी सोच बदल रही है, हर आदमी इस पे ध्यान दे रहा है, अपन पॉलीथीन मत फैलाओ। और हम इसमें सातवें चरण में भी जुड़े हैं, अब पहले से सातवें चरण तक हम जुड़े हुए हैं इससे। अलग अलग टीम बनाकर और सरिस्का के अलग अलग क्षेत्रों में ये आज स्वच्छारण्य के सातवें अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सरिस्का थैंक यू बोर्ड की तरफ टीम रवाना हो रही है इस गाड़ी के माध्यम से। दूसरी टीम हमारी इस तरफ आप देख रहे हो, ये अलग क्षेत्र में जाएगी। तीसरी टीम की अगर हम बात करें तो ये ट्रैक्टर के माध्यम से आगे बढ़ेगी और चौथी और पांचवी टीम यहीं से अपने अलग अलग इंदौर टोल की पुलिया की तरफ या फिर हम बात करें सरिस्का अभ्यारण की अंदर की तरफ ये टीमें आगे की ओर बढ़ेंगी। अपनी पूरी मतलब तैयारी के साथ टीम अब आगे बढ़ रही है। तो चलिए हम आपको इस स्वच्छारण्य के अभियान के सातवें चरण में जो लोग जुड़कर और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वच्छ अभ्यारण्य के एक आदर्श स्लोगन स्वच्छ हमारा जो अभ्यारण्य है उसके लिए ये चलाया गया अभियान है। ये निश्चित रूप से एक सातवें चरण तक लगातार सतत प्रयासों से पहुंच रहा है और हमारे अभ्यारण्य की स्वच्छता में भी एक परिवर्तन इस अभियान के माध्यम से देखने को मिला है। हमारे जो इस सरिस्का अभ्यारण्य के DFO सर हैं या रेंजर सर हैं या उनकी जो पूरी टीम है उनका पूरा एक सहयोग रहता है इस मुहिम में, अपने आप को जोड़कर अपनी टीम के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। ये अभ्यारण्य के लिए स्वच्छता के सातवें चरण में एक पहली टीम आगे बढ़ रही है, दूसरी टीम के लिए रवानगी यहाँ से ये लोग यहीं से इस अभ्यारण को स्वच्छता के लिए जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग लोगों का एक मिलकर साझा प्रयास है कि अभ्यारण को स्वच्छ कैसे बनाया जाए, उस दिशा में इन लोगों का ये जो प्रयास किया जा रहा है वाकई में सराहनीय है। पूरी सरिस्का की टीम यहाँ स्थानीय थानागाजी कि कुछ स्कूलों के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से इस अभ्यारण में स्वच्छता के लिए चलाए गए इस अनोखे अभियान में जुड़कर और स्वच्छ अभ्यारण के लिए एक पहल की गई है, निश्चित रूप से इस मुहिम से एक बदलाव यहां देखने को मिला है और एक परिवर्तन भी यहां देखने को मिल रहा है। ये टीम बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में इनको रवाना किया गया है जिससे कि टीम के माध्यम से इस स्वच्छारण्य अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये तीन टीमें रवाना हो चुकी हैं, एक चौथी टीम यहीं से आरंभ करके आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसे अलग अलग 3 से 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसमें टीम में 5 से 7 लोगों का एक दल बनाकर अलग अलग टीमों के माध्यम से इसको पूरा किया जा रहा है। आज एक टीम में 10 से 15 लोगों को जोड़ा गया है और 5 टीमें बनाई गई हैं। इस प्रकार ये पूरी टीम के माध्यम से इस काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम लौटते हैं गाँव की ओर, प्रकृति की ओर थीम के साथ, जो हमारे गाँववान स्टूडियो का प्रयास रहता है हर रविवार कुछ ऐसे नवाचारों को साझा करने का, उसी में आज हम
ग्रीन सरिस्का क्लीन सरिस्का के साथ जो सातवें चरण में एक स्वच्छारण्य अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें आप लोगों को जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। गांववाणी स्टूडियो का भी हमेशा प्रयास रहता है कि लीक से हटकर किए गए ऐसे नवाचार जो हमारे इर्द गिर्द हैं आसपास हैं और उनको हम शूट करके और आप लोगों के साथ साझा करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने अभ्यारण को स्वच्छ बनाने के लिए जो पहल की गई है उसमें हम भी अपनी टीम के साथ जुड़कर और आप लोगों को इस रविवार विशेष कार्यक्रम में से जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार पूरी टीम खुद DFO सर साथ में जो रेंजर सर हैं वो और उनकी पूरी टीम खुद एक तन्मयता और डेडिकेशन के साथ इस काम को लगातार सतत सातवें चरण तक पहुंचाई है और इसी प्रकार ये अनवरत ये अभियान आगे की ओर इस सरिस्का को स्वच्छ बनाने के लिए चलाया जा रहा है। राह पे चलने वाले लोग अपनी गाड़ियों से जो पोलोथीन या फिर पानी की पी हुई बोटल्स या अन्य प्रकार का जो खाद्य सामग्रियां बाहर फेंक देते हैं जिससे जो जंगली जो जीव जंतु हैं उनमें एक तरीके से काफ़ी सारी नुकसान इन पोलोथीन्स को खाने से हो जाता है। तो इस अभियान में जुड़कर और इस अभियान का मकसद भी यही है कि अभ्यारण को कैसे क्लीन बनाया जाए ग्रीन बनाया जाए उस दिशा में ये किया गया जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय प्रयास है। हम आज गांववाणी स्टूडियो के इस बैनर तले इस सातवें चरण को शूट करने का हमें अवसर मिला और युवा जागृति संस्थान की भी टीम अपने वॉलंटियर्स के साथ यहां पर प्रातः 8 बजे से ही इस अभियान से जुड़कर और इस स्वच्छ अभ्यारण को स्वच्छ करने के लिए चलाए गए इस अभियान में जुड़कर और आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से स्वच्छारण्य जो थीम है उसका मकसद भी यही है कि अभ्यारण को किस प्रकार स्वच्छ बनाया जा सकता है उसके लिए सतत जो ये प्रयास किए जा रहे हैं उस दिशा में यह एक सातवां प्रयास है और इन छोटे छोटे प्रयासों से छोटे छोटे किए गए पहलों से एक अभियान आगे बढ़ने का एक काम कर रहा है। हम अपनी टीम के साथ आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे हमारा जो अलवर के जिसे फेफड़े के नाम से जाना जाता है सरिस्का जो टाइगर रिजर्व जो कि थानागाजी में स्थित है हम यहां पर अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमें खुशी है कि आज प्रकृति के बीचों बीच इस अभ्यारण्य में हमारा जो गांववाणी स्टूडियो का प्रयास रहता है वो लौट चले गांव की ओर प्रकृति की ओर इस थीम के साथ हम सरिस्का में चलाए गए इस अनोखे अभियान को आप लोगों के साथ शूट करके साझा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राह के दोनों तरफ ये वॉलंटियर्स अपनी टीम के साथ टीम वर्क के साथ में 4 से 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र मिला है उसे पैदल पार करते हुए ये पूरे के पूरे अभ्यारण को क्लीन करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार के प्रयास प्रत्येक व्यक्ति करे तो हमारे आसपास जो हम सोच रहे हैं कि क्लीन सरिस्का ग्रीन सरिस्का वो जल्दी ही पूरा होगा और ये निश्चित रूप से सतत अगर प्रयासों से ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो ये अभियान एक तरीके से मिसाल बनकर लोगों को मोटिवेट करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए हम भी इस अभियान में जुड़कर और इस क्लीन सरिस्का ग्रीन सरिस्का थीम के साथ इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब टीम धीरे धीरे यहाँ सरिस्का जो गेट है यहाँ से आगे की ओर अभ्यारण्य में चारों तरफ जहाँ जहाँ ये जो मार्ग हैं जिससे अभ्यारण्य में जाया जाता है उस दिशा में जाकर और अभ्यारण्य को स्वच्छ करने के लिए ये पहल की जा रही है। इस अभ्यारण्य में इस अभियान के साथ किए गए नवाचारों से किए गए प्रयासों से एक निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिल रहा है। सभी लोग जो इस अभियान से जुड़कर इस मुहिम में जुड़कर प्रयास कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि पिछली बार भी ऐसे 2 से 3 ट्रैक्टर इंस पोलोथीन बोटल्स और बेकार के जो रास्ते के चारों तरफ फैली हुई जो पोलोथीन कूड़ा जो पड़ा हुआ था उसे उठाकर और इन ट्रैक्टरों के माध्यम से बाहर डाला गया था जिससे कि अभ्यारण हमारा स्वच्छ हो सके। एक आने जाने वाले राहगीरों को भी एक संदेश के साथ किया गया प्रयास है जिससे कि रोड के दोनों तरफ ही जो भी सैलानी जो भी
अभ्यारण को भ्रमण करने के लिए जो लोग आते हैं उन लोगों को भी लगे कि अभ्यारण को स्वच्छ बनाने की हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसी जिम्मेदारी के साथ हम भी पहल में जुड़ते हैं और अभ्यारण को स्वच्छ बनाने में अपना भी योगदान प्रदान करते हैं। तो चलिए आपको हम अभ्यारण के अलग अलग क्षेत्रों में जो वॉलंटियर्स के माध्यम से किए गए जो प्रयास हैं उनकी मेहनत को हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। उसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा है, स्वच्छारण। पहले जब आप मिले थे थैंक यू बोर्ड पे तो उसकी शुरुआत हुई थी। कहने को सिंपल कहते हैं ना, पर गार्बेज कलेक्शन करना है तो फैली वैली और इकट्ठा करना है, लेकिन लोगों ने जो गलती करी है फेंक कर उसको हम सुधार रहे हैं। और प्रकृति को ये बहुत नुकसान करती है, तो हम मदद कर रहे हैं कि अपनी जो धरती माँ है इसको थोड़ा स्वच्छ रखने की जितनी कोशिश हो सकती है। सैटरडे संडे का ये रहता है कि लोग देखते जा रहे हैं, एक मैसेज जाता है कि आप जो गंदगी कर रहे हो उसको हमें उठानी पड़ रही है, तो कृपया इसको फैलाए नहीं। और संस्था में और लोग जुड़ते जा रहे हैं, और भी जुड़े, और जिसमें हमारी कोई सहयोग की आवश्यकता हो, क्योंकि स्टाफ तो साथ है ही आपके, यदि और कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो उसको जरूर पूरा करें। इसके अलावा सब पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ाई में भी कोई मदद की जरूरत हो जरूर बताएं, पढ़ाई के लिए भी आपकी मदद करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से हमारी टीम इसी तन्मयता के साथ लगातार प्रयास करेगी। और सर हम प्रयास करेंगे कि आगे जिस तरीके से बच्चों के साथ युवा और भी इस अभियान में जुड़े। ग्रीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का। आज हमने इधर सरिस्का संडे को हमने ये साफ सफाई की थी, पोलोथीन, जिससे मुझे पता चला कि हमारी ये गलती है, हम जो इधर ये पोलोथीन कचरा वचरा फेंक देते हैं जिसके कारण ये जो जानवर है इनको बहुत तकलीफ होती है, हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर एक आदमी अगर लगेगा इसको उठाने को तो दूसरा सोचेगा हाँ ये सही कर रहा है, इसके साथ और दो के साथ तीन, फिर तीन के साथ चार, और सबको विश्वास, सब इस काम में जुटेंगे और हम इस सरिस्का को क्लीन सरिस्का और ग्रीन सरिस्का बनाएंगे। थैंक यू।